गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम यद्यपि अपने आप में कंप्लीट है, परंतु फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जो क्या क्या है कि ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो तंत्र के द्वारा अवशोषित ऊष्मा तथा किए गए कार्य में संबंध को तो बताता है, लेकिन यह फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। दूसरा लिमिटेशन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की स्टेट चेंज में उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, परंतु यह नियम इस बात पर कोई फोकस नहीं डालता कि यह अवस्था परिवर्तन स्वतः होता है या नहीं, यानी कि अवस्था परिवर्तन संभव है भी या नहीं। तीसरा लिमिटेशन है कि एक प्रकार की ऊर्जा तुल्य मात्रा की दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, परंतु पहला नियम यह नहीं बताता कि ऊष्मा को बिना अन्यत्र परिवर्तन किए तुल्य मात्रा के कार्य में पूर्णतया परिवर्तित किया नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि प्रथम नियम की इन कमियों को दूर करने के लिए ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का प्रतिपादन किया गया। तो ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम की सहायता से जो हमें जानकारियाँ मिलती है वो है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रासायनिक प्रक्रम का स्वतः होना यानी कि स्पॉन्टेनिटी के बारे में जानकारी मिलती है, साम्यावस्था प्राप्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, द्वितीय नियम द्वारा ऊष्मा की अधिकतम मात्रा जो कि कार्य में परिवर्तित होती है उसकी भी कैलकुलेशन की जा सकती है। अब है आपके स्वतः या हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि यदि किसी गैस का प्रसार उसके दाब के अनंत शुष्क कम प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होने दिया जाता है तो प्रसार कहलाता है उत्क्रमणीय प्रसार। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि प्रतिरोधी दाब जो है वो गैस के दाब से अनंत शुष्क मात्रा में कम होता है तो गैस का प्रसार होता है, और यदि प्रतिरोधी दाब जो है वो गैस के दाब से अनंत शुष्क मात्रा में अधिक होता है तो आपके कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है। तो यदि जो है प्रतिरोधी दाब वो गैस के दाब से अनंत शुष्क मात्रा में कम है तो गैस का प्रसार होगा और इसे हम बोलेंगे उत्क्रमणीय प्रसार, और जो किया गया कार्य होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, अब यदि गैस के दाब और प्रतिरोधी दाब में अंतर ज़्यादा है यानी कि गैस का प्रसार तेज़ी से हो रहा है तो ये गैस का प्रसार कहलाएगा अनुत्क्रमणीय प्रसार, और अनुत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्य की तुलना में कम होगा। तो किसी निकाय में बिना किसी बाह्य साधन की सहायता से होने वाला जो प्रक्रम है वो स्वतः या स्वाभाविक प्रक्रम कहलाता है, और यह पाया गया है कि जो नेचुरल प्रोसेस है वो सारे के सारे स्वतः होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो जल है वो उच्च तल से नीचे की ओर स्वतः ही प्रवाहित होता है यानी कि प्रवाह की दिशा को बिना किसी बाह्य कार्य के विपरीत नहीं किया जा सकता। दूसरा है ऊष्मा जो है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्वतः फ्लो होती है जब तक कि दोनों का तापमान बिल्कुल समान नहीं हो जाता। यदि हम इस प्रोसेस को उल्टा करें तो क्या होता है, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। तीसरा एग्जाम्पल है कि विद्युत धारा उच्च विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। चौथा एग्जाम्पल आपके कॉपर धातु को यदि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डाला जाता है तो कॉपर जो है वो स्वतः ही घुलता चला जाता है और जो सिल्वर है उसका प्रेसिपिटेट आता है यानी कि रिएक्शन है कॉपर सॉलिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको क्यूप्रिक नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा और सिल्वर जो है उसका प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। इसका कारण है आपके डिफरेंस इन पोटेंशियल यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका प्रेसिपिटेशन आ जाएगा यानी कि उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब है आपके पांचवा एग्जांपल कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन में अभिगमन यानी कि आपके ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और यदि हम इस प्रक्रिया को विपरीत दिशा में करें जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं तो उसमें आपको मैकेनिकल प्रेशर की आवश्यकता होगी। छठा एग्जाम्पल है
एक गैस उच्च दाब से निम्न दाब यानी कि निर्वात की ओर स्वतः ही प्रसारित होती है। तो सभी जो स्वतः प्रक्रम है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उनसे जो कार्य प्राप्त किया जा सकता है। अभी जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल है, अतः उत्क्रमणीय प्रक्रमों की तुलना में इनसे जो प्राप्त कार्य है उसका मान क्या है, बहुत कम होता है। अब है आपके इसमें ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के विभिन्न प्रकार के स्टेटमेंट। तो यानी कि इन सारी बातों को आधार मानकर केल्विन ने 1850 में थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की डेफिनेशन दी, जो क्या थी कि उच्च ताप के ऊष्मा भंडार से निम्न ताप के ऊष्मा भंडार को कुछ ऊष्मा स्थानांतरित किए बिना एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा उसी समय ऊष्मा को कार्य में, यानी कि सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है। ठीक है, यानी कि उच्च ताप के ऊष्मा भंडार को हम बोलते हैं सोर्स और निम्न ताप के ऊष्मा भंडार को हम बोलते हैं सिंक। यानी कि सोर्स से सिंक को कुछ ऊष्मा स्थानांतरित किए बिना एक चक्रीय प्रक्रम में सारी की सारी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना संभव नहीं है। अब ऊष्मागतिकी के सेकंड लॉ को हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि केवल एक ऊष्मा स्रोत से जुड़े एक तंत्र से एक चक्रीय प्रक्रम द्वारा सराउंडिंग पर कुछ कार्य संभव नहीं है, अर्थात कार्य की सतत प्राप्ति के लिए सिंक का होना भी आवश्यक है। ठीक है, अब है आपके द्वितीय नियम की जो दूसरी परिभाषा है कि एक तंत्र के किसी भाग अथवा पारिपार्श्विक में परिवर्तन हुए बिना ऊष्मा को तुल्य मात्रा के कार्य में रूपांतरित करना संभव नहीं है। यानी कि जो है आपके पारिपार्श्विक या फिर तंत्र का कोई एक भाग परिवर्तित होगा ही ऊष्मा को जब वो कार्य में परिवर्तित होती है, लेकिन सारी की सारी ऊष्मा जो है वो कार्य में परिवर्तित या रूपांतरित नहीं होती है। अगली डेफिनेशन है आपके कि किसी भी चक्रीय प्रक्रम में किसी स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा अपने कुछ भाग का हनन किए बिना तुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। यानी कि कोई भी प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रम है, जिसमें क्या होता है किसी स्रोत से ऊष्मा ग्रहण की जाती है, तो उस स्रोत से जो ग्रहण की गई ऊष्मा है उसका कुछ मात्रा में हनन होता है, लॉस होता है कुछ मात्रा में हीट का, और बाकी जो ऊष्मा बची है वही कार्य में परिवर्तित हो पाती है। यानी कि सारी की सारी ऊष्मा जो कि सोर्स से एब्जॉर्ब की गई थी वो पूरी की पूरी कार्य में रूपांतरित नहीं होती है। तो क्लासियस ने रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। तो किसी भी स्वतः क्रियाशील मशीन के लिए जिसे किसी अन्य बाह्य स्रोत की सहायता प्राप्त न हो, तो निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लेकर अपेक्षागत गर्म वस्तु को प्रदान करना असंभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊष्मा हमेशा जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर फ्लो होती है, ना कि निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा का फ्लो नहीं होता है। या हम कह सकते हैं कि ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं होती है, इसके लिए हमें जो है किसी बाह्य स्रोत की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब है आपका ऊष्मा का कार्य में परिवर्तन यानी कि कन्वर्जन ऑफ हीट इंटू वर्क। तो सामान्य अनुभव क्या कहता है कि प्रत्येक प्रकार की ऊर्जा की स्वाभाविक प्रकृति क्या है, ऊष्मा में परिवर्तित होने की, लेकिन जो ऊष्मा जो है उसकी कार्य में परिवर्तित होने की जो प्रकृति है वो स्वाभाविक नहीं होती है। यह परिवर्तन हमें किसी न किसी यांत्रिक विधि के द्वारा ही करना पड़ता है, और ये यांत्रिक विधि जो है वो कहलाती है ऊष्मा इंजन या हीट इंजन। यानी कि ऊष्मा इंजन क्या है, ऊष्मा इंजन ऐसी यांत्रिक विधि है जो कि ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करती है। ठीक है, अब देखो यानी कि एक समतापी उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम में शुद्ध ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है, क्योंकि तंत्र और पारिपार्श्विक जो है वो प्रारंभिक अवस्था में ही वापस आ जाते हैं। यानी कि जब जो है एक चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो चूंकि प्रक्रम उत्क्रमणीय है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है ऊष्मा का उत्सर्जन किया जाएगा। तो जो नेट ऊष्मा का अवशोषण क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ,
तो हम बोलेंगे कि तंत्र और पारिपार्श्विक दोनों जो है वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ गए हैं, यानी कि कार्य का मान भी क्या हुआ, शून्य। ठीक है, यानी कि माना कि एक गैसीय तंत्र उष्मा अवशोषित करके कुछ प्रसार का कार्य करेगा, तो यदि तंत्र पर समान मात्रा में जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में संपीड़न का कार्य किया जाएगा तो उष्मा रिलीज होगी। परंतु अब देखो कि जो प्राप्त उष्मा जो है वो अवशोषित उष्मा से कम प्राप्त हुई, तो इससे क्या मिला हमें प्रमाण, इससे ये प्रमाण मिला कि अवशोषित हुई उष्मा जो है वो पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं हुई, कुछ मात्रा में अवशोषित उष्मा का क्या हो गया, हनन हो गया, लॉस हो गया, यानी कि हम बोलेंगे कि कुछ मात्रा में जो उष्मा जो है वो पारिपार्श्विक को दे दी गई। ठीक है, यानी कि ये निश्चित है कि उष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसका एक अंश कार्य में परिवर्तित हो जाता है, जो शेष अंश है रेस्ट पार्ट ऑफ हीट जो है वो सिस्टम के अणुओं को रैंडम मोशन देने के काम में आता है, और यही जो रैंडम मोशन है वो ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं होने देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके।